इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, क्लिक करके आप आ जाइएगा। ये जो कि आपको भारतीय डाक सेवा का ऑफिशियल साइट है, जहाँ से आपको भारतीय डाक सेवा का सभी काम इसमें किया जाता है। तो नया स्कीम इसमें जारी किया गया है कि इन्हीं के बदौलत जो कि अब आपको रिटेलर आईडी इसमें दिया जाएगा, जिसमें आपको आधार कार्ड का काम और भी जो कि ये काम इसमें कर सकेंगे। तो ये जो कि आईडी आपको कैसे मिलेगा इसके बारे में बताऊंगा, और इसका सर्विसेस आपके लिए क्या है। तो इसके लिए मैं बता दूं, आईडी अभी फिलहाल कोई कॉस्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है, ये आईडी अभी के टाइम आपको फ्री में दिया जा रहा है। तब आपको रिटेलर आईडी रजिस्टर कैसे करना है, प्राप्त कैसे करना है, तो यहाँ पे जगह लिखा गया रजिस्टर, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको लिखा गया रिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एक आपको यूजर आईडी बना लेना है। जिस प्रकार आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालिएगा और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करिएगा, तो आपको ऑलरेडी होगा तो लिख देगा नीचे में आपको ऑलरेडी है, तब चेंज कर करके आप ट्राई कर लीजिएगा, और यहाँ पे चेक एबिलिटी पर करिएगा, तब आपको यहाँ पे नीचे में नहीं लिख कर आएगा, बोलेगा यहाँ पे आप बना सकते हैं। उसके बाद अपना जो कि फुल नेम में आपका जो टाइटल होगा, टाइटल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अपना फुल नेम का फर्स्ट नेम आपको लिख लेना है, और लास्ट नेम आप यहाँ पे लिखिए, और आपको हिंट क्वेश्चन में आप तीन में से कोई एक जो कि क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आंसर में जो आपको लगे तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद अपना जो एड्रेस होगा, एड्रेस आप फुल आप डाल लीजिएगा, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, थाना, ब्लॉक वगैरह वगैरह जो आपको हो, साथ में काउंट्री आपका जो कहते हो छोड़ दीजिएगा, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपका स्टेट होगा, और आपके एरिया में स्टेट के अनुसार जो आपका जिला होगा, जिला अपना जो कि इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद अपने एरिया पिन कोड होगा उसको डाल लीजिएगा, और एक ईमेल आईडी डाल लीजिएगा, इस ईमेल पर भी आपको वेरीफाई किया जाएगा, और आपके मोबाइल पर भी एक वेरीफाई किया जाएगा, एक नंबर आप डाल लीजिएगा, और यहाँ पे कैप्चा को जो कि यहाँ पे भर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे जो कि है आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करके आप रजिस्टर इसमें कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपके मोबाइल पर ईमेल पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आप दोबारा से जैसे आप यहाँ पे आइएगा, साइन इन पर क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपको जो कि लॉगिन करने के बाद आपको बोलेगा कि आप यहाँ पे जो कि अपना पासवर्ड बना लीजिए दोबारा से, यानी जो कि आपको चेंज कर लेना है दोबारा से, जो आपको ऑटोमेटिक पासवर्ड आया है। चेंज करने के बाद आप जो कि इसमें काम कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको जो होता है कौन कौन से सर्विसेज आपको इसमें दिया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप नीचे में आइएगा और यहाँ पे दिखेगा आपको रिटेलर सर्विस, इस पर क्लिक करिएगा, तो आपको रिटेलर जो कि आप पोस्ट इसमें कर सकता है, किसी प्रकार का कोई इसको परेशानी होता है ये आपको फीडबैक देता है तो एक पोस्ट इसमें क्रिएट कर सकता है, और यहाँ पे आधार अपडेशन का काम वो कर सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार अपडेशन वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू इनरोलमेंट वो करेगा तो फ्री में हो जाएगा, और यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको अदर अपडेट करते हैं तो 100 रुपये चार्ज लगेगा, और डेमोग्राफी का आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा। ये जो कि है आपको रिटेलर आईडी आप जब लेंगे इंडियन पोस्ट के थ्रू तब आपको इतना चार्ज देना होगा, उसके बाद से अपने नियमानुसार इसमें पैसा बढ़ाकर या इधर उधर करके जो कि पैसा इसमें ले सकते हैं, और किसी भी आदमी का आप जो कि आधार का काम कर सकते हैं। यही जो कि फ़ायदा है, मेन अपडेट आपको यही है कि आपको आधार का काम इंडियन पोस्ट के थ्रू मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ जानकारी भी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर टोल फ्री के तौर पर दिया गया है, ये आपको पॉसिबल हो तो अपना जो कि है पता कर सकते हैं, जो कि आपको न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है, अगर कोई आदमी है तो वहाँ पर भी पता कर सकते हैं किसके लिए आपको जो कि आईडी का क्या प्रक्रिया है। लेकिन मैं बहुत ही जल्द इसका पूरा प्रोसेस के साथ मैं ऑनलाइन पूर्ण रूप से करके मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको वीडियो में इतना ही दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद का साइबर कैफे चलाता हूँ, हमको भी इस आईडी की ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे मैं यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करूँगा मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ अपने जिले में, और जिस प्रकार इंडियन पोस्ट का जो सर्विस है वहाँ पर मैं पता कर ले रहा हूँ, तब जाके मैं पार्टिकुलर वीडियो आपको बनाऊँगा कि जो कि ये कहाँ तक सही है या कैसे जो कि रिटेलर आईडी आपको इसमें मिल पाएगा। फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो मैंने प्रक्रिया आपको बता दी, और अभी भी वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं उराज शर्मा फिर मुझे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।